जनकपुरी छोटी सब्जी मंडी शाही पनीर से हमने पोर्टर का ये फर्स्ट पार्सल पिक कर लिया भाई। 4:15 होने वाले हैं, पोर्टर का ये थर्ड पार्सल मैंने पिक कर लिया। बिल्कुल हल्का सा ही पार्सल है। पोर्टर को आज हो क्या रहा है? सारे नोएडा के दिए जा रहा है मुझे। अब देखो फिर से नोएडा का दिखा रहा है वो 550 रुपए। 4 गिग्स कंप्लीट करनी है, लगभग 6 बजे से 12 बजे तक के बीच में 4 गिग्स हैं। 11 ऑर्डर करने हैं तब जाके ये 240 रुपए वाला इंसेंटिव मिलेगा। 9:15 आज का ही हमारा ऑर्डर नंबर 6 भी कंप्लीट कर देते पिकअप ड्रॉप मिला के। 8.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 5 रुपए रिटर्न पे भी मिलेगा, मिल गया। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं रोचक दिडी की, और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज हम करेंगे पोर्टर। पोर्टर दे रहा है हमें इंसेंटिव। लास्ट पोर्टर की वीडियो में देखा था आपने, 3 ट्रिप पे मुझे 50 रुपए का इंसेंटिव दे रहा था, और आज दे रहा है हमें 5 ट्रिप कंप्लीट करने पे 100 रुपए का इंसेंटिव। तो 5 ट्रिप कंप्लीट करेंगे, 2 बजने वाले हैं, पोर्टर में लॉगिन कर लेते हैं, पोर्टर के साथ ऊबर में भी लॉगिन करेंगे क्योंकि पोर्टर में कई बार वेट करना पड़ जाता है पार्सल के लिए। तो ज़्यादा वेट ना करना पड़े तो ऊबर की राइड पार्सल दोनों चीज़ करते रहेंगे। और शाम को अगर जल्दी फ्री हो गए, मेरे 5 ट्रिप पोर्टर में टाइम से कंप्लीट हो गए तो जोमैटो लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो अपन रात को भी पोर्टर और ऊबर ही करेंगे। तो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं, एक बार पोर्टर का इंसेंटिव दिखाता हूँ, कंडीशन दिखाता हूँ, और उसके बाद अपन फटाफट से फील्ड में चलते हैं। तो देखो आज का जो इंसेंटिव है 2 दिन का था, 29 और 30 का, आज हो गई 30 तारीख। तो ये दे रहा है हमें 5 ट्रिप कंप्लीट करने पे 100 रुपए, और इसकी कंडीशन क्या है, 0 ABRTG मतलब एक्सेप्ट बट रिफ्यूज टू गो, कोई भी एक्सेप्ट करके कैंसिल नहीं कराना और मिस नहीं करना है एक भी। पहले ये होता था कि आपको एक मिस दिया था इसने 3 में, लेकिन आज 5 है तो 0 मिस और फ्रॉड एक भी नहीं करना। तो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं पोर्टर में और आपको दिखाते हैं हमारा पोर्टर का फर्स्ट पार्सल कितनी देर में आता है। लॉगिन करती है, हमारा फर्स्ट पार्सल आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, कहीं भी जाना है क्योंकि मिस नहीं कर सकते हम एक भी, कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा। और एक्सेप्ट कर लेते हैं, नांगलोई एक्सटेंशन, यार ये अच्छी जगह नहीं है जाने वाली, फिर भी चलो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। शुरुआत हो गई, हमारा फर्स्ट पार्सल आ गया, इसको पिक करके दिखाता हूँ इस पार्सल में है क्या। जनकपुरी छोटी सब्जी मंडी शाही पनीर से हमने पोर्टर का ये फर्स्ट पार्सल पिक कर लिया, और इसको नांगलोई लेके जाना है, पीरागढ़ी से आगे की साइड लेके जाना है। 8.5 किलोमीटर दिखा रहा है, आधा घंटा लगेगा, तो चलो इसको ड्रॉप करके दिखाता हूँ इसमें हमें कितने रुपए मिलते हैं। 2:30 बजे खतरनाक से नांगलोई आ गए मैं। अब ये इंसेंटिव का सीन नहीं होता ना तो मैं ये नांगलोई की राइड लेता नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऐसे ही यार बहुत ज़्यादा, अभी जहाँ से मैं आया हूँ ना बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो रही थी, खड्डे वड्डे हैं, बहुत फंस जाते हैं ट्रैफिक में। अब यहाँ से जो मेरी फर्स्ट अभी राइड कंप्लीट हुई है पिकअप ड्रॉप मिला के 9 किलोमीटर की थी, अरे हॉर्न क्यों बजा रहे इतनी तेज, 9 किलोमीटर के हमें 114 रुपये मिल गए कमीशन हटाने के बाद। अब यहाँ से मैं धीरे धीरे पश्चिम बिहार जा रहा हूँ, वहीं काम करेंगे, और कोई भी राइड मतलब कोई भी पोर्टर में पार्सल आएगा ना वो तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्योंकि एक भी मिस नहीं कर सकते चाहे वो कहीं का भी आए, क्योंकि जैसे हम एक मिस कर देंगे हमारा इंसेंटिव हमें नहीं मिलेगा। तो इंसेंटिव लेने के चक्कर में सारी राइड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ देखो ट्रैफिक का हाल, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है बाबा इधर, तो इसलिए पश्चिम बिहार भागता हूँ मैं यहाँ से। भाई एक ये अभी पोर्टर का पार्सल पिक किया है, 174 रुपये का मतलब एक्सेप्ट किया है, गेवरा डाल रखा है, लोकेशन डाल रखी है रोहतक रोड, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना लोकेशन पे। अब यहाँ से कह रही है 8 किलोमीटर दूर पिक करने जाओ गेवरा, भाई साहब अलग ही नशे हो रखे हैं, उल्टी सीधी लोकेशन डाल देते हैं यार, कस्टमर परेशान होना पड़ता है हमें। तो मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया का था, वहाँ से तो बैक टू बैक पार्सल मिलते, लेकिन मुझे लग रहा है अब ये कैंसिल कराना पड़ेगा क्योंकि 8 किलोमीटर पिक करने कहाँ जाऊँगा यार मैं। तो इसको देखते हैं क्या सीन है, कस्टमर केयर से बात करता हूँ एक बार। अब यार ये ऑर्डर कैंसिल हो तो गया, लेकिन रीज़न यार मेरा ना डाल दिया हो, कस्टमर ने क्या डाला है, सॉरी द ऑर्डर वाज कैंसिल ड्यू टू ड्राइवर रिलेटेड इशू। अरे पागल आगल है क्या, ड्राइवर रिलेटेड इशू, लोकेशन खुद गलत डालते हैं और इशू हमारा डाल दिया, हद होगी। अभी अगर इंसेंटिव में दिखा रहा होगा ना कि इंसेंटिव इनकम्प्लीट में जा रहा है, फिर नहीं करता मैं पोर्टर, अभी तक तो नहीं दिखा रहा है यार, अभी तक तो ओके है सब कुछ चीज़, कैंसिल में नहीं आया हमारे। चलो अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पार्सल हमारा कितनी देर में आता है। 3 बजे पोर्टर का ये सेकंड पार्सल पिक कर लिया, ये मोबाइल है, यहाँ से शॉप से पिक किया है, तहलका भाई भी आ रखे हैं यहाँ पर, तो यार शॉप पे, और इसको लेके जाना है रमेश नगर, 7 किलोमीटर का होने वाला है, तो इसको चलो फटाफट से ड्रॉप करने चलते हैं, डिग्गी में रख के ले जाते हैं आराम से, फ़ोन को सेफ्टी के साथ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्गी में पहले ही बहुत कचरा पड़ा है यार, अरे साइड में आ जा, आ गया। 3:30 हो रहे हैं, रमेश नगर आ गया मैं, मैंने पोर्टर का अभी सेकंड पार्सल मेरा कंप्लीट किया है पिकअप ड्रॉप मिला के, 7.5-8 किलोमीटर का था, 127 रुपये हमने कैश कलेक्ट किया और हमें मिल गए होंगे 102 रुपये। तो अब मेरे पास नेक्स्ट पार्सल भी हाथों हाथ ही आ गया, जैसे ही मैंने कंप्लीट करा ऐप में उसके बाद आ गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार, पिकअप लंबा उठा लिया हमने, 4 किलोमीटर का पिकअप दे दिया, राइडर कम है क्या चक्कर है, इतना लंबा पिकअप दे रहा है,
वैसे पोर्टर का पिकअप बहुत एक किलोमीटर के अंडर में ही होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं जो इतने दूर का पिकअप दे। अब रमेश नगर था, नारायणा का पिकअप दे दिया और ड्रॉप है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ नांगलोई राजधानी पार्क, वापस से वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से हम आ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्सल आ गया, उसको पिक करते हैं फटाफट से। भाई 4:45 होने वाले हैं, पोर्टर का ये थर्ड पार्सल मैंने पिक कर लिया, बिल्कुल हल्का सा ही पार्सल है। इसको नांगलोई लेके जाना है, 15 किलोमीटर दूर दिखा रहा है यहाँ से, और इसको 42-43 मिनट दिखा रहा है। भाई बहुत टाइम लगेगा इस पार्सल को ड्रॉप करने में, जाम लग रहा है। चलो इसको फटाफट से ड्रॉप करते हैं। भाई 4:30 बजे वापस से नांगलोई आ गए हम, थर्ड पार्सल कंप्लीट करते हैं। 207 रुपये कैश कलेक्ट करना था, कस्टमर ने ऑलरेडी हमें 200 रुपये दे दिए हैं, 7 रुपये खुले नहीं थे। मैंने कि चल कोई बात नहीं, अब 7 रुपये के लिए 100 का नोट दे रहा था, कि चलो 7 रुपये डिस्काउंट रखो, हमारी तरफ से टिप रखो। तो ये 15-16 किलोमीटर के आसपास का था, हमें कितने दिए हैं थर्ड ट्रिप में, अपडेट नहीं हुआ अभी, हो गया अपडेट। 166 रुपये मिल गए 17-16 किलोमीटर, नहीं 17 क्यों 15 ही था। अब यार नांगलोई आ गया है, 4:30 हो रहे हैं, 2 ट्रिप और करनी है। अब फटाफट से 2 ट्रिप करा के जोन में भागेंगे, अगर टाइम रहा तो जोमेटो लॉगिन करेंगे, नहीं तो ऊबर और लॉगिन कर लेता हूँ पहले। धीरे धीरे वापस से पश्चिम बिहार बढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक व्रैफिक होता है, और रात के टाइम उल्टी सीधी जगह भेज दिया तो आफत हो जाएगी, क्योंकि सारे एक्सेप्ट करने, एक भी डिनाइल कर नहीं सकते, डिनाइल करते अपना इंसेंटिव गायब हो जाएगा। तो लगभग 400 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी। कितने बजे निकला था मैं घर से, 2 बजे, 2.5 घंटे में अर्निंग तो बढ़िया हो गई। बस ये 3 ट्रिप हुई हैं, 2 ट्रिप और करनी है, उसके बाद पोर्टर बंद कर दूंगा मैं। बस यार ये पार्सल मरवाते हैं। अब देखो ये संखोल हरियाणा, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करा मैंने तो इंसेंटिव जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे खाली आना पड़ेगा। ले 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 ले। हरिजन बस्ती क्या करूँ, लास्ट टाइम पे करूँगा एक्सेप्ट, किस्मत के सहारे जाऊँगा देने। अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया लास्ट टाइम तो ठीक है, नहीं तो मैं कर लूँगा, करेंगे करेंगे, आज देखेंगे क्या होता है, किस्मत में क्या लिखा है। अबे ओ फक, मिस हो गया, पोर्टर की नोटिफिकेशन की वजह से मिस हो गया, अब हमारा इंसेंटिव गया। अरे यार शिट, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। और भाई एक और पार्सल दे रहा है, बहादुरगढ़ हरियाणा, ये भी नहीं लूँगा भाई मैं, अब तो एक भी नहीं लेना इस साइड का, तो हमारी दिल्ली की साइड का होता तो ले भी लेता, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वहाँ से खाली आना पड़ता है यार, बहुत बार आके देख चुका हूँ, 100 रुपये इंसेंटिव के चक्कर में जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं है यार इतनी दूर जाने का। लो भाई सेकंड भी मिस हो गया हमारा, एक तो पहले किया, एक और मिस हो गया, बहुत बढ़िया। अब आया पार्सल जो मुझे लेना था, पहले लेता लेकिन अब मैं इसको भी नहीं ले रहा, क्योंकि अब मैं जोन में जाके लॉगिन करूँगा, जोमेटो 5 बज गए, 1 घंटे की बात और है, जोन का ही लेंगे, ऊबर में गोटू होम लगा रखा है, अब नहीं लूँगा, क्योंकि अब एक मिस हो गया, इंसेंटिव मिलना नहीं है। देखो इंसेंटिव के लिए कैसे दिखा रहा है, रेड हो गया सारा, पहले जो ग्रीन था ना अब सारा रेड हो गया, हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा 5 राइड करते हैं तो, क्योंकि उसमें कंडीशन थी एक से ज़्यादा मिस नहीं कर सकते, अब तो मैंने 3-4 मिस कर दी। अभी एक गाजियाबाद की आ रही थी, ये देखो कहाँ है गाजियाबाद, 300 कुछ रुपये की दिखा रहा था, 344 रुपये की आ रही थी गाजियाबाद, ये भी मैंने मिस कर दी, उन्हें गाजियाबाद नहीं जा रहे रात के टाइम, सुबह होते तो फिर भी चले जाते। अब कोई जोन का आएगा तो लेंगे, ऊबर में सेट डायरेक्शन लगा रखा है, सेट डायरेक्शन का ही लेंगे, बाकी अब जोमेटो ही लॉगिन करेंगे शाम को, क्योंकि अब रात के टाइम ठंड का टाइम है, इधर उधर दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब की राइड आ रही है विकासपुरी की, लेकिन डिले लग गया था, और डिले के कारण यार किसी और ने एक्सेप्ट कर ली, शेट डिले गलत लगवा लिया यार, हद हो गई, डिले बढ़ता जा रहा है, 60 मिनट का था 90 मिनट का हो गया। विकासपुरी की आ रही थी यार, जोन में चला जाता 100 रुपये की अर्निंग और हो जाती। अरे यार ये गलत सीन हो गया हमारे साथ। पश्चिम बिहार से विकासपुरी आ गया और मोमोज भी खा दिए आके, यहाँ दिल्ली की जान बस रही है मोमोज में, तो भाई इतने मोमोज सेल होते हैं दिल्ली में डेली लाखों के, लेकिन यार कोई पार्सल वार्सल आया नहीं जो हमें चाहिए था। पार्सल आ रहे थे गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा का आ रहा था एक अभी 600 रुपये का, तो पता है नोएडा वाला जो 600 रुपये का पार्सल लेता उसमें 20% कमीशन 120 रुपये, और 60 किलोमीटर का था 120 रुपये, पेट्रोल 240 तो यही हो जाते, और टाइम दिखा रहा था मैंने देखा था 60 किलोमीटर जाने में लगते मुझे 2 घंटे, तो 2 घंटे जाता 240 रुपये 600 में से कट जाते, लगभग हमें 350 रुपये मिलते, और फिर वहाँ से अगर खाली आना पड़ जाता 60 किलोमीटर नहीं तो मोटा मोटी 40 किलोमीटर मान लो 100 रुपये का अगर और पेट्रोल लगता तो 250 रुपये लगता, और फिर 2 घंटे जाने में, तो 4 घंटे ख़राब करता, 250 रुपये कमाता, इतनी दूर जाता भी तो, वो बेकार है नोएडा वोएडा का लेना, और इस टाइम तो बहुत बेकार है, क्योंकि इस टाइम वापसी का काम मुश्किल ही मिलता है, किस्मत अच्छी हो तो मिल जाता है। और यार विकासपुरी में आज मार्केट लग रही है, विकासपुरी से भक्ते अपन तिलक नगर वहीं लॉगिन करेंगे 6 बजे, अभी 6 बजने में हैं 20-25 मिनट। ट्रक आज हो क्या रहा है, सारे नोएडा के दिए जा रहे हैं मुझे, अब देखो फिर से नोएडा का दिखा रहा है वो 550 रुपये, इसमें भी वही है, बच्चे का लास्ट में 250 रुपये ही,
क्योंकि खाली आना पड़ जाएगा। और कोई पिक भी नहीं कर रहा, कोई नोएडा का राइडर होगा वही पिक करेगा इस टाइम। यार यहाँ से तो कोई नोएडा मेरे हिसाब से तो नहीं लेगा इसको, तो ये तो मिस ही होने वाला है। ये हो गया मिस, कोई पिक नहीं करेगा भाई इसको हमारा। एक दिखाता हूँ कितने रुपए का मैं मिस कर चुका काम। ये देखो इसको मिस करने के बाद 1490 दिखा रहा है, 1490 प्लस ये 2000 से ज़्यादा का मैं काम मिस कर चुका हूँ। उल्टे सीधे जगह भेज रहा था ये। तो अभी टाइम आधा घंटा है, अपन तो जोमेटो ही लॉगिन करेंगे भाई, पोर्टर नहीं कर रहे इतनी दूर दूर के पार्सल। राइट 6 बज गए, मैंने जोमेटो में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद एक बार इंसेंटिव दिखाता हूँ। देखो आज का जो इंसेंटिव दे रहा है, मैं 2 गिग्स कंप्लीट करने 120 रुपये मिलेंगे, 3 पे 175, 4 पे 240 और 6 गिग्स कंप्लीट करते हो तो 300 रुपये मिलेंगे। ये आपको करने का मैं 6 बजे बात करने है। और इसमें भी ये है कि 3 गिग्स में 9 ऑर्डर, 11 ऑर्डर, 14 ऑर्डर ऐसे ऐसे करने हैं। तो मेरा टारगेट है 4 गिग्स कंप्लीट करेंगे, 11 ऑर्डर करेंगे अपन तो 240 वाला इंसेंटिव हमें मिल जाएगा। 1 से ज़्यादा ऑर्डर डिनाइल नहीं, 0 कैंसिलेशन, नॉट मोर देन 1 इनकम्प्लीट गिग्स ड्यूरिंग डिनर, ठीक है गिग्स इनकम्प्लीट नहीं करेंगे। 7 ऑर्डर करने हैं अपन को, मेन 7 ऑर्डर करने हैं फर्स्ट में, उसके बाद 4 गिग्स कंप्लीट करनी है। लगभग 6 बजे से 12 बजे तक के बीच में 4 गिग्स हैं, 11 ऑर्डर करने हैं, तब जाके ये 240 रुपये वाला इंसेंटिव मिलेगा। तो अब लॉग इन कर लिया मैंने, अब देखते हैं हमारा जोमेटो का फर्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। 6:15 बजे जोमेटो का आज का ये फर्स्ट ऑर्डर पिक किया और फर्स्ट ऑर्डर में ही हक दिया, 20 रुपये का ऑर्डर दिया है। 500 मीटर दूर लेके जाना है, चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। 6:21 पे आज का हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। जोमेटो के स्कैनर पे ही पेमेंट ले ली, फिर कैश जमा कराना पड़ता है जब पॉकेट लिमिट ब्रीच हो जाती है। ऑनलाइन करता है तो मैं जोमेटो के स्कैनर पे ही लेता हूँ। 20 रुपये दिए हैं, 2 किलोमीटर 17 मिनट लग गए। अब तो भाई ढंग के ऑर्डर दे दे। बाकी यार आज अर्निंग का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गिग्स पे इंसेंटिव है, अर्निंग पे कोई इंसेंटिव नहीं है। तो अब तो वो छोटे छोटे भी ऑर्डर कराए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन तो हमें ऑर्डर करने। ओ देखो भाई 45 रुपये का नेक्स्ट ऑर्डर दे दिया, तो चलो इसको एक्सेप्ट करके पिक करने चलते हैं फटाफट से। 6 बजे आज का ये सेकंड ऑर्डर पिक कर लिया और इसको हमारी फेवरेट जगह ऊथम नगर लेके जाना है। 4 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 7 बजे आज का हमारा ये सेकंड ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया भाई। इतनी ट्रैफिक में लेके आया हूँ इस ऑर्डर को, पिकअप ड्रॉप मिला के 4.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 45 दिखा रहा था, 45 दे दिया। 33 मिनट लग गए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। अब यहाँ से धीरे धीरे विकासपुरी बढ़ते, नहीं तो यार उत्तम नगर फंसा दिया तो छोटे छोटे ऑर्डर देगा। 7:15 बजे आज का ये थर्ड ऑर्डर पिक कर लिया और इसको जनकपुरी लेके जाना है। गो टू होम लगा रखा था तिलक नगर का, 1 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। यार ये 20-22 रुपये के ऑर्डर में आधा आधा घंटा लग जाता है। अभी हमारा आज का थर्ड ऑर्डर कम्प्लीट हुआ है, पिकअप ड्रॉप मिला के था, दिखा भाई कितने था, 21-22 के भी 21 कर दिए, वाह। 3 किलोमीटर का ऑर्डर था, 21 रुपये दिए हैं, 19 मिनट, हद है भाई जोमेटो तेरे तो हद है भाई। लास्ट वीक से बिल्कुल पैसे ख़त्म कर दिए जोमेटो ने देने, 1.5 घंटे में 100 रुपये की वेयर नहीं हुई, हद हो रखी है भाई, बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल चल रहा है। अब जनकपुरी आ गए, ये देख लो भाई फिर से 3 किलोमीटर का ऑर्डर 23 रुपये, इतना गंदा हग रहा है आज तो भाई, हद हो गई। लगता है तुम गु खा के ही मानोगे, दिमाग खराब हो रहा है भाई, जोमेटो छोड़ना पड़ेगा इस हिसाब से तो। 7:30 बजे आज का ये फोर्थ ऑर्डर पिक कर लिया और इसको भी 1.5 किलोमीटर दूर लेके जाना है जनकपुरी, तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। 7:45 बजे आज का हमारा ये फोर्थ ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे ऑर्डर दे रहा है तो कम से कम हमारे 11 ऑर्डर तो टाइम से निपटेंगे। 11 बजे अपन 11 बजे भग जाएंगे, इंसेंटिव मिलेगा, कोई बात नहीं भाई, दिए जा तू 20-20 वाले मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कराए जाओ। 4 ऑर्डर हो गए हमारे 1.5 घंटे में, अर्निंग कोई यार 110 रुपये की, बहुत शानदार, 20-45 21-23 ये है ऑर्डर अर्निंग। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है, मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है। चलो जनकपुरी आ गए, अब यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में, देर में क्या दे दिया 40 रुपये का पिकअप ड्रॉप, 4.5 किलोमीटर, सन्नी चिकन जेल रोड, चलो बढ़िया ऑर्डर एक्सेप्ट करके पिक करने चलते हैं फटाफट से। आज का ये फिफ्थ ऑर्डर पिक कर लिया और इसको रजौरी गार्डन लेके जाना है, 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। ये 8:06 पे आज का ये हमारा फिफ्थ ऑर्डर भी कम्प्लीट हो गया, रजौरी गार्डन आ गया, पिकअप ड्रॉप मिला के 5 किलोमीटर का था, ग्राउंड फ्लोर दबा दे भाई, 40 रुपये दे दिए, 4.5 किलोमीटर का ही था, 24 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। अब रजौरी गार्डन है, अब यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है, 11 ऑर्डर करने मुझे। अब भाई नेक्स्ट ऑर्डर दिया, अब दिया ऑर्डर, अब दे रहा है ये 84 रुपये, 5 से पिकअप है, 8 किलोमीटर का ड्रॉप, वाह एक्सेप्ट करके। 8 किलोमीटर उत्तम नगर होना चाहिए भाई, कहीं और ना भेजे, कौन सा फ्लोर है भाई ये, सेकेंड है। 8:20 पे आज का ये ऑर्डर नंबर 6 पिक कर लिया और इसको रजौरी गार्डन से विकासपुरी लेके जाना है, 8 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 9:09 बजे आज का ये हमारा ऑर्डर नंबर 6 भी कंप्लीट कर देते, पिकअप ड्रॉप मिला के 8.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 5 रुपये रिटर्न पे भी मिलेगा, मिल गया 87 रुपये मिल गए, 8.1, 38 मिनट टाइम बहुत लग गया यार। विकासपुरी आ गए, विकासपुरी में लग रही है मार्केट, उत्तम नगर ना भेजे बस,
6 ऑर्डर हो गए, 11 में 5 ऑर्डर और करने हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। 9:10 है आज का, ये ऑर्डर नंबर 8 पिक कर लिया और इसको जनकपुरी लेके जाना है, 4.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 9 आज का ये हमारा ऑर्डर नंबर 7 है, मैं इसको 8 बोल रहा था, कंप्लीट हो गया पिकअप ड्रॉप मिला के। 5.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 55 दिखा रहा था, 52 रुपये दे दिए, 6 किलोमीटर का ही हो गया, 21 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। विकासपुरी से वापस जनकपुरी आ गए, अब यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर कितनी देर में आता है। 9:15 आज का ये ऑर्डर नंबर 8 पिक करा और इसको हरिनगर से हरिनगर लेके जाना है, 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 9:30 आज का ये हमारा ऑर्डर नंबर 8 अब जाके कंप्लीट हुआ है, पिकअप ड्रॉप मिला के 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 29 रुपये दे दिए, बढ़िया ऑर्डर ही आ गया, फिर से 38 रुपये का ऑर्डर, 3.5 किलोमीटर 38 रुपये, बढ़िया, चलो इसको एक्सेप्ट करके पिक करने चलते हैं फटाफट से। 9:30 आज का ये ऑर्डर नंबर 9 पिक कर लिया और इसको विष्णु गार्डन लेके जाना है, 3 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 9:40 पे आज का हमारा ये ऑर्डर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, पिकअप ड्रॉप मिला के, 4.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, 39 दिखा रहा था, 38 दिए हैं, 4.2 18 मिनट लग गए, पैसे बहुत कम दे रहा है। अब हमें 11 में 2 ऑर्डर करने हैं, जो कि टाइम भी देना है यार 11 बजे तक का, यानी कि अभी हमें 1 घंटा 20 मिनट काम करना ही करना है, 4 गिग्स कंप्लीट, 11 ऑर्डर कंप्लीट, जब हमें ये 240 वाला इंसेंटिव मिलेगा। तो अब यहाँ विष्णु गार्डन आ रखा हूँ, यहाँ से देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑर्डर। आई क्या कहूँ मैं इनको, क्या कहूँ, ये सुबह से भाई सारे ऑर्डर आज तो 22-23 रुपये से ऊपर जा ही नहीं रहा, एक आध ऑर्डर बढ़ा देता है, फिर उसके बाद वही 22-27, बहुत गंदा वाला हग रहा है यहाँ जोमेटो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। वही ऑर्डर नंबर 10 आ गया, इसको एक्सेप्ट करके पिक करने चलते हैं फटाफट से। 10:00 आज का ये ऑर्डर नंबर 10 पिक कर लिया और इसको विष्णु गार्डन की विष्णु गार्डन ही लेके जाना है, 1 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करने। 10:03 पे आज का ये हमारा ऑर्डर नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया यार, ये छोटे छोटे ऑर्डर ना परेशान कर दिया, आज बहुत सारे ऑर्डर करे मैंने 20-22 वाले, अब ये भी छोटा सा ही ऑर्डर था, 23 रुपये दिए, 2 किलोमीटर के 23 मिनट लग गए यार, ये छोटे ऑर्डर में भी आधा घंटा लगता है और बड़ों में भी, 11 बजे तक करना है, 1 घंटा और है हमारे पास, तो 1 घंटे तक करा दे भाई, जितने कराएगा, करना तो एक ही ऑर्डर है, बाकी जो करा दे बढ़िया है, 4 घंटे में 382, ओ भाई साहब दे दिया 39 रुपये का, 4.5 किलोमीटर के मात्र 39 रुपये। चलो हमारा ये नेक्स्ट ऑर्डर आ गया, इसको पिक करने चलते हैं फटाफट से। 10:15 आज का ये ऑर्डर नंबर 11 पिक कर लिया और इसको तिलक नगर से हरिनगर लेके जाना है, 3 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करना है। 10:22 पे आज का ये हमारा ऑर्डर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, ये पिकअप ड्रॉप मिला के 2.5 किलोमीटर का ऑर्डर था, आज तो सारे ऑर्डर इसने छोटे छोटे दिए यार हमें, नहीं यार ये तो बड़ा था, 4.5 किलोमीटर का था, 39 रुपये मिल गए, 19 मिनट लगे इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। मैंने विकासपुरी का गो टू होम लगा दिया, गो टू होम का ऑर्डर दे दे। 10:30 आज का ये ऑर्डर नंबर 12 पिक कर दिया और उसको जेल रोड से जनकपुरी लेके जाना है, 3.5 किलोमीटर का ऑर्डर है, चलते हैं इसको फटाफट से ड्रॉप करना। जोमेटो के सस्ते नशे खत्म होने पर नहीं आ रहे, अभी जो मैंने लास्ट ऑर्डर कंप्लीट किया है पिकअप ड्रॉप मिला के 6.5 किलोमीटर का था, जब ऑर्डर आया था 52 रुपये दिखा रहा था और जब मैंने ऑर्डर डिलीवर किया है तो मात्र 45 रुपये दिए हैं, 7 रुपये कम कर लिए भाई, वैसे ही तुम पैसे नहीं दे रहे, 10 रुपये किलोमीटर दिया करते थे किसी ज़माने में, तो बताओ 6.5 किलोमीटर के 52 दे रहा था, उसमें से भी 7 रुपये कम करके 45 रुपये दिए। अब यार शॉर्टकट, हम तो सोचते हैं कस्टमर को जल्दी ऑर्डर दे दे, फटाफट शॉर्टकट लेके आते हैं, और शॉर्टकट लेके आना भी हमारे लिए नुकसान का ही सौदा हो जाता है, फिर तो घुमा घुमा के लाओ, और यही ऑर्डर जब लॉन्ग कट हो जाता है ना, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का हो जाता है, कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी होती है, ऐप में दिखाता है 5 किलोमीटर, तब जाओ तो 6 किलोमीटर होता है, तब पैसे नहीं बढ़ाता भाई, जब एक्स्ट्रा जाओ, लेकिन कम जाओगे तो पैसे तुरंत कम करता है भाई, इस टाइम तो जोमेटो इतना खून पी रहा है ना राइडरों का, जिसकी कोई हद नहीं है। अब यार लास्ट ऑर्डर आ गया मेरा, अब उसको पिक करने जा रहा हूँ गोदावरी बेकरी से, इसके बाद अपन घर चलेंगे बस। अब 10:50 पे आज का ये लास्ट ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 13 पिक कर लिया और उसको जनकपुरी से जनकपुरी 2 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो चलो उसको ड्रॉप करते हैं फटाफट से। लास्ट ऑर्डर ही मैंने कंप्लीट कर दिया, ऑर्डर नंबर 13 डिलीवर मार्क नहीं करा ऐप में, क्योंकि जब तक मेरी गिग्स कंप्लीट नहीं हो जाती, 4 गिग्स कंप्लीट होंगी तभी जाके हमें 240 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा, अभी तो 120 रुपये का ही मिला है 3 गिग्स वाला, तो अब यार 33 रुपये दिखा रहा था, 33 ही देगा, पैसे तो क्या ही ज़्यादा देगा, बाकी यार पैसे वो यार 5 घंटे काम किया है ना मैंने, 700 के आसपास अर्निंग होगी, तो 700 की अर्निंग अगर जोमेटो 5 घंटे में करा रहा है अर्निंग, ठीक है भाई टाइम के हिसाब से, लेकिन ये है कि पहले के मुकाबले गाड़ी ज़्यादा चल रही है तो पहले के मुकाबले पैसे कम दे रहा है, ये सीन हो गया, और 700 की अर्निंग करा रहा है जोमेटो तो भाई आपसे काम निकलवाएगा, पूरा काम करवाएगा, 500 की अर्निंग का मतलब है 10 से ज़्यादा ऑर्डर तो करवाएगा करवाएगा,
13 ऑर्डर करवा लिए इसने मुझसे। अब तो ये अच्छा है, गो टू होम लगा रखा था, घर के पास का ही ऑर्डर दिया। और सुबह से देख लेते एक बार गाड़ी कितनी चली है हमारी। गाड़ी चली है 110 किलोमीटर, घर पास में ही है। 110 का मतलब है 220 रुपए का पेट्रोल लग गया। टोटल अर्निंग मैं आपको ऐप में चल के दिखाता हूँ। लो भाई ऐप में आ गए हम। 30 तारीख को हमने पोर्टर और जोमेटो में लगभग 9 घंटे काम किया। पोर्टर में मैंने 4 घंटे में 3 ट्रिप कंप्लीट करी थी, जिसकी मेरी टोटल अर्निंग होती है 382 रुपए। वहीं हमने जोमेटो में भी काम किया था, जोमेटो मैंने 5 घंटे काम किया था। जोमेटो मेरे 13 ट्रिप 13 ऑर्डर होते हैं, जिसकी टोटल अर्निंग होती है 741 रुपए। 741 में से 501 रुपए ऑर्डर अर्निंग, इसमें 5 रुपए लॉन्ग डिस्टेंस रिटर्न पे भी शामिल है। वहीं हमें ऑफर के मिलते हैं 240 रुपए। हमें 4 गिग्स कंप्लीट करनी थी, 11 ऑर्डर कंप्लीट करने थे, ऑफर के 240 रुपए। मेरी टोटल अर्निंग होती है 741 रुपए। 741 जोमेटो प्लस 382 रुपए पोर्टर के, लगभग 1123 रुपए की हमारी टोटल अर्निंग होती है। मेरी गाड़ी चली थी 110 किलोमीटर, हिसाब से 223 रुपए का पेट्रोल मान लो। तो पेट्रोल हटाने के बाद हमने जोमेटो और पोर्टर में 9 घंटे काम करके लगभग 900 रुपए की अर्निंग कर ली। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते किसी शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक दूनी दो ते दो दूनी चार, पक्के बदमाश साढ़े सारे मेरे यार।